हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग, न्यू वीडियो। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग, न्यू वीडियो। आज का जो वीडियो होने वाला है दोस्तों, ये व्लॉगिंग के ऊपर नहीं, बट ये हमारा रहेगा प्रोडक्ट अनबॉक्सिंग। तो मैडम जी का रिक्वेस्ट था कि हम बाहर कहीं जाते हैं तो ये जो माइक आप देख रहे हो ना, इससे हमारा जो है प्रॉपर वॉइस तो आता है, बट ये वायर जो है काफ़ी लंबा होने के कारण मैडम जी बोलती हैं भाई वायरलेस माइक ले लो। तो मैडम जी के लिए मंगा लिए हैं वायरलेस माइक और आज ही डिलीवरी हुआ है। इसका हम करेंगे अनबॉक्सिंग ये वीडियो में और इसका रिव्यू देंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो आप बने रहिए, अगर आपको ये अनबॉक्सिंग हमारा अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए कि ऐसे ही वीडियो और व्लॉग बना के आपके साथ हम शेयर करते रहें। तो दोस्तों, इसका ये प्रोडक्ट अगर आपको अच्छा लगता है, ये प्रोडक्ट अगर आपको अच्छा लगे ना, तो इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके बाय कर सकते हो। बहुत ही बजट फ्रेंडली बजट है, तो वहां से आप जाके बाय कर सकते हो। तो काफ़ी मैंने इसका देखा रिव्यू वगैरह, उसके बाद ये प्रोडक्ट मंगाए हैं। चलो आप सब भी इसका अनबॉक्सिंग जल्दी जल्दी देखिए और जो है वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों, हमारा यहाँ पे पैकेट आ गया है, आप सब देख सकते हो, ठीक है। तो इसको हम करेंगे अभी अनबॉक्सिंग और देखते हैं क्या क्या मटेरियल यहाँ पे हमें मिलता है हमारे इस वायरलेस माइक में। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने अनबॉक्सिंग कर लिया है और यहाँ पे हमारा जो है बिल, इनवॉइस बिल है, इसको हम रखते हैं साइड में। और यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट है, ठीक है, यहाँ पे हमारा ये प्रोडक्ट है, आप देख सकते हो यहाँ पे डिजिटेक का DWM101। तो इसको हम करेंगे अब अनबॉक्सिंग और इस बॉक्स में देखेंगे क्या क्या हमें मिलता है। तो यहाँ से मैंने कर लिया इसको कट, यहाँ पे डिजिटेक की ब्रांडिंग डिजिटेक, और इसको ओपन करेंगे हम। तो सबसे फर्स्ट ओपन करने के बाद हमें ये पाउच मिलता है डिजिटेक की तरफ से, आप सब देख सकते हो यहाँ पे। और इसको हम रखते हैं साइड में और यहाँ पे हमारा है पाउच। इस पाउच को ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे जो है 3 यूनिट मिलेंगे, 1, 2 और ये रहा 3। तो इसमें आपको 2 ट्रांसमीटर मिलेंगे और 1 रिसीवर। तो रिसीवर का काम क्या है कि ये आपके मोबाइल या आपके कैमकॉर्डर या आपके जो भी DSLR कैमरा वगैरह हैं, आपके कैमरे पे ये लग जाएंगे। और ये जो 2 हैं, ये माइक के रूप में आपका काम करेगा, जो भी आप बोलोगे इस माइक में आपके वॉइस को रिकॉर्ड करने का काम ये ट्रांसमीटर करेंगे, ठीक है, ये ट्रांसमीटर करेंगे। और जो रिसीव करेगा वो हो जाएगा मेरा रिसीवर। तो इसके अंदर ये 3 यूनिट मिलेंगे। अब ये 3 यूनिट मिलने के बाद यहाँ पे जो है, यहाँ पे विंडशील्ड है जो कि आपके नॉइज़ को थोड़ा और प्रॉपर करेगा, जो भी एनवायरनमेंट के नॉइस आएंगे उसको रिड्यूस करने के लिए ये है विंड शील। इसको रखते हैं हम साइड में। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे ईयरफोन दिया गया है, 2 ईयरफोन दिया गया है। अब ये इसका काम क्या है, इसका काम ये होता है कि आप जब माइक यूज़ करोगे, उस माइक में आपको देखना है कि मेरी जो आवाज़ प्रॉपर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तो इससे आप क्या करोगे, मॉनिटर करोगे। हालाँकि ये जो है 10-15 वाला ईयरफोन है, बट ठीक है, कोई बात नहीं, इस प्रोडक्ट में आता है तो कोई बात नहीं, बेहतरीन है, अच्छी बात है, कंपनी कुछ सोच के दिया है आपको ताकि आप अपना वॉइस जो है मॉनिटर कर सकते हो। तो यहाँ पे एक ये रहा, एक यहाँ पे है ये। तो यहाँ पे 2 यूनिट जो है ईयरफोन के मिलते हैं, इसको हम रख देते हैं साइड में रैपर को। और यहाँ पे जो है डेटा केबल कुछ इस प्रकार है, यहाँ पे 3.5 mm जैक 2 Type-C है, ठीक है, डायरेक्टली आप जो है मोबाइल में कनेक्ट करके Type-C आप रिसीवर में लगा सकते हो, रिसीवर में लगा सकते हो। और यहाँ पे केबल दिया है Type-C to Type-C, अगर आपको मोबाइल Type-C सपोर्ट करता है तो आप Type-C लगा के आप रिसीवर में Type-C लगा के कनेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे एक और डेटा केबल दिया गया है, यहाँ पे केबल जो है आई थिंक ये चार्जर का है, तो इसको रखते हैं साइड में। और यहाँ पे एक USB दिया है, USB to Type-C दिया है यहाँ पे। अब इसे इसका काम क्या रहेगा कि आप इसको जो है एडाप्टर में लगा के एक साथ 2 आप यूनिट को चार्ज कर सकते हो, चाहे वो आपका रिसीवर हो चाहे वो आपका ट्रांसमीटर हो, तो एक साथ 2 आपका यूनिट चार्ज हो जाएंगे। तो बॉक्स में बस इतना ही, और ये मैनुअल जो कि इसको रीड करने वाले नहीं है आता है,
हमारे नॉलेज के लिए, बट इसको रखते हैं साइड में अभी। तो यहाँ है हमारा सब प्रोडक्ट, अभी इसको हम करेंगे साइड में, और सबको साइड में करने के बाद जो है यहाँ पे इसको हम चालू करके आपको दिखाते हैं। तो आप सब देख सकते हो ये है हमारा ट्रांसमीटर, और यहाँ पे भी है ट्रांसमीटर, ये है रिसीवर। सबसे फर्स्ट जो है यहाँ पे बॉटम पे आपको मिलेगा स्विच ऑफ, और यहाँ पे म्यूट का बटन, ऊपर वॉल्यूम का, और साइड में कुछ भी नहीं है। साइड में यहाँ पे दिया है आपको चार्जिंग केस, और यहाँ पे दिया है मॉनिटरिंग के लिए, यहाँ पे दिया है मॉनिटर के लिए 3.5 mm जैक। तो इसको यहाँ से ओपन करेंगे, मैंने यहाँ पे प्रेस कर लिया, और ये जो है यहाँ पे स्टार्ट हो गया। आप सब देख सकते हो यहाँ पे, इसको मैं जो है यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ब्लिंकिंग इसका स्टार्ट हो गया है, ठीक है। इसके यहाँ पे जो है ब्लिंकिंग स्टार्ट हो गया है। अब ये जो है मोड पेयर मोड पे है, जहाँ पे ये ब्लिंकिंग हो रहा है, ये सिंक जो है बटन, ये सिंक जो मोड आपको दिख रहा है यहाँ पे रेडी टू पेयर हो गया है। अब हम इसको करेंगे चालू, और ये भी एक साथ हम करेंगे ये चालू। तो दोनों चालू हो गया, आप देख सकते हो यहाँ पे कनेक्ट हो गया है, और यहाँ पे जो ब्लिंक हो रहा था ब्लिंक होना बंद हो गया, इसका मतलब ये जो है आपस में कनेक्ट हो गए हैं। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पे हमारा जो है पेयर हो गया है, ठीक है। अब इसमें आपको एक मोड दिखता है, यहाँ पे एक और मोड आता है जो होता है एको। तो यहाँ पे अगर एको आप दबाओगे तो आपकी जो आवाज़ है वो गूंजने लगेगी। और यहाँ पे विंडशील्ड दिया है, तो इसको हम लगा लेते हैं ऊपर। अब विंडशील्ड जो है इसका लगाने का कुछ इस प्रकार है, यहाँ पे हम इसको लगाएंगे, ये हमारा विंडशील्ड है, और यहाँ पे दिया है इसको ट्विस्ट करना पड़ेगा, आप ऐसा लगा लो, लगाने के बाद इसको आप ट्विस्ट करोगे तो ये जो है कनेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे खांचा दिया है, इस खांचे में आप इसको डालोगे, और डालने के बाद इसको आप ट्विस्ट करोगे तो ये जो है आपका माइक रेडी टू रिकॉर्ड हो गया है। आप इसको जो है कनेक्ट करके रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी है, इसको भी हम लगा लेंगे। तो कुछ इस प्रकार आपको प्रोडक्ट मिलते हैं। तो दोस्तों ये है हमारी अनबॉक्सिंग का वीडियो, आई होप आप सभी को जो है पसंद आई ये अनबॉक्सिंग वीडियो। तो हम जो रिव्यू देखेंगे वो नेक्स्ट वीडियो रहेगा, क्योंकि रिव्यू के लिए हमें चाहिए बहुत सारे प्लेस, ताकि वहाँ पे जाके हम आपको इसकी रिकॉर्डिंग दिखा सके, रेंज दिखा सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा इस प्रोडक्ट का रिव्यू, तो बने रहिएगा आशीष प्रिया ब्लॉग के साथ में।